वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में पुलिस पेंशनर्स गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद जिले के पुलिस पेंशनर अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर SSP ने पेंशनरों की समस्याओं को सुना तथा उसके समाधान के निर्देश दिए। गोष्ठी में रिटायर्ड IG वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, DIG JP सिंह, DSP शिव पूजन सिंह, DSP लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, DSP बब्बन सिंह, DSP शरद चंद्र पांडे, DSP परमहंस यादव, DSP TN पांडे सहित कुल लगभग 228 सेवानिवृत्त पेंशनर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर सेवानिवृत्त पेंशनर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रिटायर्ड IG वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और SSP शलभ माथुर ने बताया। यहाँ पे आप जो हमारे उत्तर प्रदेश सबसे अच्छे बड़े शहर हैं, आगरा गए, आगरा से कानपुर नगर, कानपुर से इलाहाबाद, यानी ये सभी जगह जो है आप ड्यूटी नहीं, ऑफिस में भी कभी भी कोई काम हो, किसी का भी कोई समस्या हो, निराकरण होता है। इसलिए हम लोगों की भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आप सफल रहें, जन आक्रोश उत्पन्न हो। हम लोग ठीक है, अभी जो है जितनी पेंशनर से संबंधित इशू अभी मत बताऊँगा मैं, इसके पहले मैं चाहूँगा इसलिए आपको लास्ट में मौका दिया जाए। कभी कभी और जगहों से थोड़ा अलग होता है। इस जनपद में जो लोग रहे इसमें से जितने लोग बैठे हुए इतनी बड़ी संख्या में पेंशनर्स बहुत कम मिल रहा है। ये गोरखपुर ही ऐसा है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में और बारिश हो रही है फिर भी पेंशनर्स यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पेंशनर्स खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों में जो खास चीज़ यहाँ के लोगों की खास प्रवृत्ति है, जरूरत हो हमारी किसी जगह कोई ज़रूरत हो तो हम विभाग में, क्योंकि इतने दिनों तक रहे हैं और विभाग आज भी आपकी मदद कर रहा है, आपको पेंशन दे रहा है, आपको मेडिकल सुविधाएँ दे रहा है, बहुत सारी सुविधाएँ दे रहा है, तो किसी स्तर पर कहीं भी कोई आवश्यकता हो तो निसंदेह उसका सदुपयोग होना चाहिए, उधर चला जाए। इसलिए ये हमारे सामने जो लोग आए हुए हैं ये के योगी लोग हैं जो बहुत ही अनुभव से परिपूर्ण हैं और पूरे विभाग की सेवा करके यहाँ आए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख होता है कि इतने अनुभव का फ़ायदा जो वर्तमान अधिकारी और कर्मचारी गण नहीं उठाना चाहते हैं, ये इनके अनुभव से लें तो उनको उसका काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि सहयोग और आशीर्वाद के बहुत महत्व की चीज़ होती है। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, जैसा इन्होंने कहा वायरल सीनियर से, बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर मिलता रहे या सीनियर लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे या उनकी सहयोग मिलता रहे तो हमेशा सफलता मिलेगी। इनके एरोगेंस में कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, इससे सफलता नहीं मिल सकती है। पुलिस विभाग के जो अधिकारीगण हैं वो क्या करना है, उनको वाजिब सम्मान नहीं मिलता है जब कभी थाने पर जाते हैं या थाने के लोग आते हैं, यह बहुत ही अनुचित है, क्योंकि पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है फिर उसका रैंक नहीं जाता है, रैंक कभी भी रिटायर नहीं करता है। जो DIT है, IG है या SP है, DSP है, वो हमेशा DSP रहेगा, वो सेवानिवृत्त रहे लेकिन उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। कोशिश करते हैं कि यथासंभव उसका यथाशीघ्र निस्तारण करा दें। और मैं बस एक चीज़ और प्रकाश में लाना चाहूँगा, अभी DGP सर का भी एक निर्देश आया था डिजिटल वॉलेंटियर्स का, और उसके अंदर जो हमारे रिटायर्ड पुलिस परिवार के बंधु हैं उनको भी सर ने जोड़ने का वो कहा है कि उनको भी आप अपने साथ जोड़िए, क्योंकि उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि कई बार कुछ इस तरह की अफवाहें या उस तरह का गलत मैसेज सोशल मीडिया या अन्य चीज़ों के ऊपर प्रसारित होता है जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की काफ़ी संभावना रहती है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप डिजिटल वॉलेंटियर वाला, क्योंकि उसके अंदर सोशल नेटवर्किंग साइट में हम सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ करते हैं और आप लोग जो हमारा ज़िला है उसके अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो थाना क्षेत्र से आप जुड़े रहेंगे तो कभी कोई बात होगी तो हम उस चीज़ को खंडन करने में हमें बहुत अच्छा एक मौका मिलता है आप लोग के माध्यम से, तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। और
हम लोग हमेशा ही आपसे सीखते रहें, जैसा मैंने देखा है और आप जैसा संडे को डी आई सर ने बताया कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग को कोई बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बहुत बड़ी समस्या लगती है, लेकिन जब हम उसको डिस्कस करते हैं, जब उसको शेयर करते हैं तो वो समस्या तुरंत विस्तारित हो जाती है। उस मिनिस्टर को या उस मीटिंग को हम लोग वीकली नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार हम इस स्तर पर करें, यही मेरा प्रयास होगा। कोई ऐसी समस्या विशेष नहीं आई है, लोगों के टीए के बारे में, लोगों के प्रतिपूर्ति के बारे में यही लोगों ने बताया, उसका समाधान हो जाएगा। कुछ निजी समस्याएं भी लोगों ने बताई, जैसे कि झगड़ा उगड़ा गांव में हो जाता है उसका, तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, अच्छे ढंग से यहाँ निस्तारण हो गया समस्याओं का, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक ग्रुप बनेगा, जैसे ग्रुप में लोग मदद करते रहेंगे, कोई नियुक्ति नहीं होगी लेकिन एक तरह से समस्या समाधान के लिए उसके एक पार्ट बनेंगे ये लोग। जो गोष्ठी पुलिस लाइन के अंदर आयोजित करी गई थी, जिसके भी हमारे रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स के बंधु हैं, उनकी जो भी समस्या रहती है, चाहे अकाउंट शाखा से, बड़े बाबू शाखा से, अन्य भी कोई समस्या, वैसे तो निरंतर रूप से हम लोग इनका निराकरण समाधान का प्रयास करते हैं। और आज भी हम लोग के द्वारा जो कुछ एप्लीकेशन थी, जो इशूज थे, उसको सॉर्ट आउट किया। साथ ही साथ सभी लोगों को जो रिक्वेस्ट की गई, जो डिजिटल वॉलंटियर्स हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर सभी लोगों ने बोला कि वो लोग भी इसका पार्ट बनेंगे। और बाकी चीज़ें एक निरंतर रूप से हम लोग का संवाद बना रहता है और सभी पुलिस परिवार का हिस्सा है, तो इस उस संदर्भ में आज ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी।